फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आपका स्वागत है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई इंडियन स्टॉक मार्केट में जमकर निवेश कर रहे हैं ऐसे में उनके कई फेवरेट शेयर के प्राइस में शानदार तेजी आई है ये बताता है की शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल स्केल पर बड़ी लिक्विडिटी है आइए जानते हैं क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफ किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें वो रिलेटेड कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदता है या उसे लोन अवेलेबल कराता है एफ में इन्वेस्टर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह कंपनी के मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन मार्केटिंग आदि में डायरेक्टली शामिल नहीं होते हैं एफपीआई में इन्वेस्टर्स शेयर्स के डिविडेंड या लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट रिसीव करते हैं एफपीआई का रेगुलेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा किया जाता है एक डेटा के अनुसार बीएससी 500 इंडेक्स के उन सभी शेयर्स ने अच्छा रिटर्न दिया है जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी ज्यादा है ऐसे हर 10 में से सात शेयर्स ने अगस्त में बीएससी सेंसेक्स से 3 परसेंट ज्यादा रिटर्न दिया है वैल्यूएशन को लेकर चिंताओं के बाद भी कई शेयर्स ने 90 परसेंट तक की तेजी दिखाई है इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम VA Tech वेबैक का है जिसने 90.48 परसेंट तक की मजबूती दिखाई है 30 जून तक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास कंपनी की 22.29 परसेंट हिस्सेदारी थी 37.27 सेवन परसेंट फॉरन स्टेक वाली आईडीएफसी के शेयर्स भी अगस्त में 52 परसेंट तक चढ़े जिंदल स्टेनलेस हिसार श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और बिरला सॉफ्ट में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 20 टू 25 परसेंट हिस्सेदारी है इन सभी शेयर्स ने अगस्त में 42 टू 50 परसेंट तक की छलांग लगाई है अक्टूबर 2010 के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में इस साल अगस्त में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है ये 118 महीनों का रिकॉर्ड है इस महीने 21 अगस्त तक उन्होंने नेट 5.43 बिलियन डॉलर के शेयर्स खरीदे हैं जबकि अक्टूबर 2010 में यह लेवल 6.42 बिलियन डॉलर का था अगस्त में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट 40,262 करोड़ रूपीज रहा है जबकि इससे पहले तीन महीनों में उन्होंने टोटल 43,934 करोड़ रुपीस लगाए हैं रीसेंट मंथ्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने प्राइमरी मार्केट में खूब निवेश किया है हाल ही में इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी मार्केट में काफी स्ट्रांग हुई है स्ट्राइड्स फार्मा जी एंटरटेनमेंट सनटेक रियलिटी अदानी एंटरप्राइजेस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और ब्लिस जीवीएस फार्मा ने भी अगस्त में 30 टू तो 40 परसेंट तक की तेजी दिखाई है 30 जून तक इन कंपनीज में एफपीआई के पास 20 टू तो 68 परसेंट तक की हिस्सेदारी थी हालांकि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के फेवरेट सेक्टर्स के बारे में स्ट्रांगली कह पाना मुश्किल होगा मगर डेटा बताता है कि उन्होंने ऑयल एंड गैस ऑटो फार्मा और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में काफी इन्वेस्ट किया है बीते महीने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में सेलिंग की थी अगस्त में फॉरेन इन्वेस्टर्स के रडार पर रहने वाले कई बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स तेजी दर्ज करने में नाकाम रहे एचडीएफसी में फॉरेन इन्वेस्टर्स की 70.16 परसेंट हिस्सेदारी है मगर ये शेयर इस महीने सिर्फ 1 परसेंट चढ़ा है इंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 22 परसेंट तक कमजोर पड़े हैं भारत फोर्ज रेडिंगटन इंडिया केपीआईटी टेक्नोलॉजीज प्रेस्टीज एस्टेट टीम सर्विसेज द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग और पीवीआर जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के फेवरेट शेयर्स ने करंट मंथ में 20 टू तो 30 परसेंट का रिटर्न दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इन कंपनीज में 20 टू तो 48 परसेंट की हिस्सेदारी है बीएससी 500 इंडेक्स के 104 शेयर्स में एफबीआई के पास 20 परसेंट से ज्यादा हिस्सेदारी है इनमें से 72 शेयर्स ने सेंसेक्स से 2.8 परसेंट बेटर परफॉर्म किया है इनमें से 16 शेयर्स ने 24 मार्च के बाद 100 टू 300 परसेंट तक का रिटर्न दिया है इस दौरान सेंसेक्स ने लोवेस्ट लेवल से 50 परसेंट तक की तेजी दिखाई है यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू